बेगूसराय पुलिस को बीती रात उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी है जब पुलिस ने बेगूसराय और खगड़िया का टॉप 10 कुख्यात अपराधी ज्योतिष कुमार को बड़ी संख्या में हथियार की गिरफ्तारी कर लिया। ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी बलिया थाना क्षेत्र के सक्ति चौरा गांव से हुई है। गिरफ्तार ज्योतिष कुमार के पास से पुलिस ने एक देसी बंदूक, यूएसए निर्मित एक पिस्तल, इंडिया मेड एक पिस्तल, एक भुजाली और 5 जिंदा कारतूस और कई खोखा बरामद किया है। बताते चले कि बलिया थाना के नगर गामा गांव के रहने वाले महाराणा सिंह के पुत्र ज्योतिष कुमार पर बेगूसराय में कई संगीन मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी एक गुप्त सूचना के आधार पर की गई। ज्योतिष कुमार पर बलिया थाना क्षेत्र में लगभग 5 संगीन मामले दर्ज हैं। वहीं खगड़िया जिला में भी इस पर 8 संगीन मामले दर्ज हैं। इस मामले में मुख्यालय डीएसपी निशित प्रिया ने बताया कि बलिया थाना अध्यक्ष रविंद्र मोहन प्रसाद को एक गुप्त सूचना मिली थी कि ज्योतिष कुमार बलिया थाना क्षेत्र में छिपा हुआ था। सूचना के बाद बलिया थाना प्रभारी के नेतृत्व में सहायक अवर निरीक्षक से सी मूर्ति सिंह यादव, पीटीसी दिगंबर भूषण और सिपाही विकास कुमार के साथ साथ बीएमपी पुलिस के द्वारा की गई छापामारी में सख्ती चौरा गांव से ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ज्योतिष कुमार किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में था, पर इसके पहले ही पुलिस के हत्थे चढ़ गया। बताते चले कि ज्योतिष कुमार जिला के टॉप 10 अधिकारियों में शामिल है जिसकी तलाश काफी दिनों से पुलिस को थी। ज्योतिष कुमार का बेगूसराय और खगड़िया जिला में लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसकी गिरफ्तारी को पुलिस बड़ा कामयाबी मान रही है। ठीक है, हम बना लेंगे। क्या क्या हथियार दावत हुए? दिनांक 18/4/21 को गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार डीएसपी प्रोबेशनर जो एसएचओ बलिया हैं रविंद्र मोहन प्रसाद के नेतृत्व में टीम गठन की गई थी और हम लोगों को जानकारी मिली थी कि ये ज्योतिष कुमार कहीं पे है। तो इस संदर्भ में जब छापेमारी की गई तो ज्योतिष कुमार की गिरफ्तारी हुई और उसके साथ में सामान हुआ एक देसी बंदूक, ऑटोमेटिक पिस्टल, एक भुजाली, जिंदा कारतूस 8 और उसके साथ खोखा की बरामद की गई। इसका आपराधिक इतिहास हमारे यहाँ रहा है। इसके अलावा खगड़िया में भी इस पर कई कांड दर्ज है, अभी आगे की कार्रवाई की जाए। इसका किस तरह का क्रिमिनल बैकग्राउंड है? इन पर आर्म्स एक्ट का और रंगदारी का कई केसेस है। बेगूसराय में कितने दिन से फरार चला था ये? किसी मामले में फरार नहीं था, अभी अभी इसका हथियार के साथ इसके बाद तस्करी से जुड़ा हुआ मामला है क्या? नहीं, तस्करी नहीं है, ये एक तरह से रंगदारी का मामला था और बलिया थाना के टॉप 10 क्रिमिनल्स में इसका नाम था। क्या लग रहा था मैम कि कोई घटना को भी अंजाम देने की फिराक में था जब इतना बड़ा? प्रथम दृष्टया ऐसे मुद्दा नहीं जा सकता जी, प्रथम दृष्टया इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, बाकी अग्रसर अनुसंधान में।